बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, शुक्रिया। तो आज मैं इसी दुआ के साथ वीडियो स्टार्ट करूँगा। जो मेरे बहन भाई माँ बाप बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दें। जो मेरे बहन भाई कारोबार करते हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में ढेर सारी बरकतें डालें, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई साहब, आप लोगों से मैं यही छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अपने भाई को फुल सपोर्ट किया करो, जो कि जल्द पे जल्द आपके भाई का चैनल मोनेटाइज हो जाए। जो कि इसी साल, जो कि काफ़ी टाइम से मैं वीडियो बना रहा हूं, कभी वाई टाइम ऊपर चला जाता, कभी नीचे आ जाता, ये मुझे समझ नहीं आ रही। इसकी ये जो कोई बहन भाई समझता है वो मुझे कमेंट्स करके बताएं, ये क्यों, किस चीज़ की मिसिंग हो रही है मेरे से, जो इस तरह हो रहा है। तो आप लोगों ने ये मेरी छोटी सी जो कि करनी है हेल्प। तो अभी मैं जा रहा हूँ अम्मा जी के पास, अम्मा से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं, तो आप लोगों के साथ मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। टाइम जाएंगे तो चलते हैं वीडियो की तरफ। चलें जी, मैं अम्मा जी के पास आ गया हूँ, अम्मा से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं, तो आप लोगों के साथ मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम अम्मा जी, क्या बना रहे हैं आज? मैं रैबिट पुडिंग बनाने लगी हूँ। रैबिट पुडिंग जी। चलें जी, आज अम्मा बना रहे हैं रैबिट पुडिंग, ये देखते हैं किस तरह बनती है, इसमें क्या क्या शामिल होता है, और आप लोगों के साथ ये मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। अभी टाइम जाएंगे तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मुझे रैबिट पुडिंग बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ब्रेड के मैंने ये 12 पीस ले लिए थे, उसके मैंने इधर से साइड काट लिए, जो ब्राउन साइड वो मैंने काट ली है। ये मैंने एक कप मैंने दूध लिया है, उसके अंदर मैंने ये 7 चम्मच मैंने कस्टर्ड डाल दिया, उसके अंदर मिक्स कर लिया है। ठंडा दूध मैंने लिया है, और ये मैंने कंजा मिक्स ले लिया है, 2 मैंने क्रीम ले लिए हैं, सब्ज़ इलायची का मैंने पाउडर ले लिया है, और ये मैंने 2 लीटर दूध ले लिया है। अब मैं आपको रैबिट पुडिंग बनाने के तरीका बताती हूँ। दूध को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, जब दूध गर्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी, और ये सब्ज इलायची का पाउडर, अब हम इसके अंदर डालेंगे कस्टर्ड, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, देखिए कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे, अब हम आपको आगे दिखाते हैं। ट्रेले का हमने इसके अंदर ये डबल सारे ब्रेड के सारे पीस लगा दिए, अब हम इसके ऊपर डालेंगे कस्टर्ड। बिस्मिल्लाह, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे कंडेंस मिल्क। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे क्रीम। अब हम इसके ऊपर डबल रोटी की एक और लेयर लगाएंगे ब्रेड की। अब हम इसके ऊपर फिर कस्टर्ड के डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, हमारे रैबिट पुडिंग कितनी अच्छी और मज़े की तैयार हो गई है।
आप भी मेरे तरीके के साथ अपने कार्य में बनाएगा और कमेंट करके मुझे बताएगा आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।